हरियाणी श्रावणी तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे, नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, आपकी राय बताएं। पर्वतराज प्रशंसा से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी, तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छिपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को प्रतिरूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा, शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ, उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। मन चाहे वर के लिए करे हरियाली तीज का व्रत। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कंजली तीज को कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज पूजा विधि। हमें हरियाली तीज की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्साह मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुंदरी, हरी लहरिया, हरा सिंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है।
इस साल आप लोग भी बड़े उत्साह से तीज के व्रत को करिए और अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामनाएं पूरी करिए और हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहिए। धन्यवाद।